एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसकी खासियत ये है कि हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में 4483 पंचायत हैं और हर एक पंचायत में एक गैजेटेड ऑफिसर जाएंगे, और ना सिर्फ वो गैजेटेड ऑफिसर जाएंगे बल्कि उस पंचायत में 2 दिन स्पेंड करेंगे, 1 रात को भी वहाँ रुकेंगे, और अपने निवास के दौरान जब वो जाएंगे पंचायत में और रुकेंगे तो वहाँ की पंचायत से, ग्राम सभा से बात करेंगे, रूबरू होंगे, तबादला ख्याल करेंगे, पंचायत की बातें सुनेंगे, उनकी डिमांड सुनेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। वो ये भी असेस करेंगे कि ऐसे कौन से इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जिनको इनकरेज करके हम फार्मर्स की इनकम डबल कर सकते हैं, हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं और हम स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन एवरी रिस्पेक्ट दिस इज़ ए यूनिक प्रोग्राम। बैक टू द विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उधमपुर की सराट पंचायत में आया हूँ। आज सवेरे मैं यहाँ पहुँचा और पहुँच के हम लोगों ने पंच साहिबान, सरपंच साहिबान, इनसे बात की, इनसे बात करके इनके इश्यूज सुने और सरकार की तरफ से क्या क्या प्लान्स हो रही हैं ये बताए। वो भी पता है। किसी जगह में हुई होगी, बाकी 100 घर में हुई थी। रियासी की तरह हमारे ज़िले में भी बैक टू विलेज का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट फेज में हमने 42 पंचायतों में आज किया है जिसमें 3 ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं, ब्लॉक रामबन, ब्लॉक राजगढ़ और ब्लॉक पटोर। मैं भी 1-2 पंचायतों से होके आया, लोगों में जोश खरोश था, हमारे ऑफिसर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट और बड़ी जोश खरोश लोगों में भी हमने देखा, खुसूसन औरतों में भी हमने जोश खरोश देखा और जो एज पर द प्रेस्क्राइब प्रोग्राम है उसके हिसाब से एक्टिविटी अभी चाहिए। 1,20,000 तो बड़ा किसी दिन मेरे पास डायरेक्टली सर ये प्लाज और ये रिपोर्ट मैं आपके सामने मोदी जी पहुँचे मौके पर डीसी साहब क्वालिफाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे स्टेट में जो हमारा बैक टू विलेजेस का जो प्रोग्राम है उसमें डोडा ज़िले में जो है बड़े ही फर्वर के साथ, एंथुजियाज़म के साथ जो है इसकी प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। कई सारी पंचायतों में जो आज की फेज़ में हमारे दो दिन के फेज़ में है उसमें तकरीबन कई सारी सैकड़ों जो है इनॉग्रेशन इसमें हो गए हैं ऑलरेडी, कामों के जो हुए हैं। कई सारे एरियाज़ में है जो है श्रमदान की एक्टिविटी जो है उसकी भी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे खलीनी में मौजूद है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, उसकी जो है स्टेटस हमने देखा तो उसका भी इवैल्यूएशन जो है कंसर्न गैजेटेड ऑफिसर ने यहाँ पे आके जो है देखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा जो है हमारे पास एक मौका है, पंचायतों को मौका है, सारे अफसर्स को मौका है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मौका है कि इस जो है हमारे इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेके टोटल एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो कदम हमें उठाने चाहिए वो उठाए जाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत की पूरी बॉडी हो, सरपंचेस हो या फिर जो है सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, लोग गांव के सारे आवाम हो।